इन दो कलमात से जब भी अल्लाह को पुकारा जाता है तो हदीस में आता है कि हदीस अबू दाऊद की रेफरेंस नंबर 488 हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भी शख्स इन दो इसमें मुबारक से रब को पुकारता है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं किसी इंसान को खाली हाथ लुटा दूं, किसी भी इंसान को मायूस होने दूं, किसी इंसान के हाथ नीचे खाली आने दूं। फौरन ही अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, बस सच्चे दिल से आपने दुआ मांगनी है। पहले तौबा इस्तिगफार जरूर कर ले, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह की रजामंदी जरूरी है। वजीफा ये है, दुआ किस तरीके से पढ़ी जाए ध्यान से समझिएगा। अव्वल और आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद पाक, आपने 344 मरतबा या अल्लाह या करीम का जिक्र करना है, किसी से बातचीत करे बगैर। जैसे ही पूरा हो जाए आपकी फौरन दुआ कबूल हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में हाथ खाली नहीं आएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह खुद फरमाता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं किसी के खाली हाथ लुटाऊं। इसका मामूल बनाएं, रोजाना पढ़ें और जिंदगी आसान बनाएं।